नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा बिहार जहां की सरकार अपनी सड़क को लेकर 56 इंच की सीना फुलाती रहती है। बिहार सरकार जिस सड़क की बात करते हुए करोड़ों खर्चों की लिस्ट जनताओं के सामने थमा आती है, अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यहां सिर्फ खोखलापन नजर आएगा। बिहार के दरभंगा जिला में नाका नंबर 1 के पास यह सब कुछ सड़क जो दिख रहा है, यह बहुत ही पुराना है। जो लोग इस सड़क से लगभग 20 सालों से गुजरते होंगे वह इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। यह सड़क को बदलाव की बात करें तो कभी एक ऐसा वक्त था जब इस सड़क पर पानी की वजह से लोग आना जाना बंद करते थे, और एक ऐसा समय आज है कि लोग यहां से बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके बता दें कि बिहार सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि इस सड़क की दुर्दशा को ठीक कर सके। तभी तो बस इस साल कुछ ईंट को सड़क पर डाल दिया गया और 2-3 बार रोलर चला दिया गया, और हमारी सरकार पूरी उम्मीद लगाई थी कि दरभंगा वासियों से कि नहीं, यहाँ इस सड़क से जितनी भी गाड़ी जाएंगे रोलर का काम वही करेंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होंगे जो इस सड़क से गुजरे और हमारी सरकार को कुछ आशीर्वाद न दिए हो। मैं सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की आप बीती बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सड़क से रोजाना गुजरता हूँ। मुझे एहसास है कि अगर बिहार में विकास है तो इस दरभंगा शहर में इस रोड को देखकर मुझे नहीं लगता कि विकास है, क्योंकि जो व्यक्ति इस सड़क से एक बार गुजर जाए वह कोशिश करता है कि दोबारा नसीब से इस सड़क से न गुजरना पड़े। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार सरकार इस सड़क के साथ क्या करना चाहिए और ये सड़क की क्या हालत है। हम बस इतना कहते हैं कि जनताओं की आवाज़ सुनो और जानो, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी तकलीफ़ों को जानो और कितनी दुर्दशा है इस सड़क की और लोग कितने परेशान हैं, इसको समझो और इसको ठीक कराया जाए। यही हमारा अनुरोध है। हम किसी सरकार की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जनता जाग रही है।